नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन दिनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 4 जून को 400 पार सीटें लेकर आएंगी। मुख्यमंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सीएम भजन लाल शर्मा इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद है। भजन लाल साहब, छठे दौर का मतदान जो है वो चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली की अधिकतर सीटों पर आप घूमे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में 2014 में भी 7 सीट थी, 19 में भी 7, और अब की बार भी 7 सीटें आने वाली हैं। और हम धीरे धीरे 4 जून 400 पार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास है, मोदी जी के काम पर विश्वास है। 2014 के बाद देश की जो स्थिति और परिस्थिति, मोदी जी ने जिस तरह से देश को विकास के आयाम तक, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के दुनिया में स्वाभिमान दिलाने का काम किया है, ये जनता को विश्वास है जिस तरह से काम किया है। मैं कह सकता हूँ 4 जून 400 पार। प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी तादाद दिल्ली में है, वो बीजेपी को वोट दें? निश्चित रूप से प्रवासी राजस्थानी पूरे देश के अंदर, क्योंकि वो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, पूरे देश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उनकी जितनी बड़ी संख्या है वो सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। भजनलाल शर्मा न्यूज 18 से खास बातचीत में कह रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानी बड़ी तादाद में दिल्ली में है और राष्ट्रवाद की भावना के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। और वो दिन दूर नहीं जब 4 जून को जनादेश का पिटारा खुलेगा, तो निश्चित ही 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो पूरा होगा।